तो में खुला एक खतरनाक सा नया नया कार शोरूम और ये शोरूम खोले हमारे प्यारे से बैटमैन ने और हमें पता चला है इस शोरूम में सिर्फ बैटमैन की व्हीकल्स मिलती है तो बैटमैन का मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ इसलिए हम आ गए इस शोरूम में बैटमैन की गाड़ी खरीदने चलो फटाफट से अपनी बढ़िया सी गाड़ी को पे पार्क में लगाते हैं और चलते अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो दे, ऑलरेडी कितनी सारी सिक्योरिटी है क्योंकि ये बैटमैन का शोरूम है और अंदर का बहुत ही खतरनाक है ए बच्चे गाड़ी से उतर वह मैं भून दूंगा अरे उतर, उतर सर, की खतरनाक होती है और इधर सारी के सारे बैटमैन की, बैट की कार्स हमें मिलने वाली है जो कि उसने आज तक यूज करी है और इस गाड़ी में तो देख सकते हो तो ऊपर एक बड़ी सी मिनी गन लगी हुई है और सर, ये वाली गाड़ी में देखो आगे लेजर्स वाली गन लगी हुई है हर एक गाड़ी में खतरनाक खतरनाक वेपन है एक सेकंड वो पीछे क्या पड़ा है रुको रुको मुझे ये वाली गाड़ी भी देखनी है सर अगर आपको ये गाड़ी देखनी है तो आपको इस गाड़ी को खरीदना पड़ेगा क्या गाड़ी को देखने के लिए खरीदना पड़ेगा अरे अगर देखेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे सर ये गाड़ी हंड्रेड मिलियन डॉलर की है इसको देख नहीं सकते सिर्फ खरीद सकते क्या हंड्रेड मिलियन डॉलर की अरे ऐसा क्या है इसमें सर ये गाड़ी पूरी वाइब्रेनियन से बनी हुई है फिर उसके ऊपर टाइटेनियम फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा डायमंड है इसलिए ये हंड्रेड मिलियन डॉलर की है क्या वाइब्रेनियम की गाड़ी ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सर सर मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव करने दो ना नहीं सर इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल सकती पहले खरीदो फिर टेस्ट ड्राइव मिलेगी अरे यार ये तो चीटिंग है पहले हमने गाड़ी देखी भी नहीं ढंग से और सीधा खरीदेंगे तो तो ना सर मैं सोच रहा हूँ ये वाली गाड़ी खरीदने की क्योंकि इसमें आगे लेजर भी है और इसके टायर तो देखो कितने ज्यादा बड़े मुझे ये गाड़ी बहुत ही खतरनाक लग रही है अंकल मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है फटाफट से बीस मिलियन डॉलर हमारे बैंक में ट्रांसफर करो अरे हाँ दे दो मैं दे दूंगा ऐसे मुंह में क्या घुस रहे हो वैसे कितने की बोला ट्वेंटी मिलियन डॉलर क्या ट्वेंटी मिलियन डॉलर इस खटारा के लिए ये गाड़ी खटारा नहीं है इस गाड़ी के अंदर है बहुत सारे वेपर्स और खुद बैटमैन सर ने इस गाड़ी को टच कर रखा है इसलिए ट्वेंटी मिलियन डॉलर अगर पांच मिनट में आप इस गाड़ी को बुक करते हैं तो ठीक है वरना इसकी प्राइस हो जाएगी थर्टी मिलियन डॉलर क्या पांच मिनट में इसकी दस मिलियन प्राइस बढ़ेगी ये तो बहुत ही खतरनाक है मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव करनी है सर पहले एडवांस में पांच मिलियन डॉलर दीजिए फिर टेस्ट ड्राइव करने को मिलेगी क्या टेस्ट ड्राइव के लिए पैसे देने पड़ेंगे हाँ सर हमको डर है कोई चोर न ले मैं क्या आपको चोर लगता हूँ मैं लॉस एक सच्चा नागरिक मैं चोरी वोरी नहीं करता मुझे इसकी करने दो। सर, रूल्स में नहीं है, आप नहीं कर सकते अगर आप मुझे इसकी नहीं करने तो मैं सुपरमैन को बता दूंगा सर जाइए आप इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और ये क्या इसका गेट तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक हैं और बैठ चुके हैं चलो बड़ इसको बाहर चलो फटाफट फड़ से इसको बाहर निकालते और कितनी ज्यादा खतरनाक है ये और कहा अभी इस गाड़ी को हमने बाहर निकाल लिया और कहा हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में कौन कौन से वेपन है चलो देखते हैं सबसे पहले ये खतरनाक सा वेपन जो की आग लगाता है ये देख सकते तो पूरे रोड में आग लगाते हुए जा सकते हैं ये तो बहुत ही खतरनाक है और अब ये अगला वेपन मिसाइल ये देखो इस गाड़ी के अंदर से मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है ये और हमारा अगला वेपन उस गाड़ी को टारगेट करेंगे और ये हमारी मिसाइल सीधा उसके ऊपर जाएगी चलो बड़ा बड़ से बहुत सारी मिसाइल मारते ये ले ये ले अंकल भागो भागो। ये तो करंट वाली मिसाइल से। और आपको इस गाड़ी की स्पीड दिखाता हूं थ्री टू अरे ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है पूरी सर ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा तेज है अब आप सोच रहे हमने तो टेस्ट ड्राइविंग के लिए लिया है नहीं हमने इस गाड़ी को चुरा लिया है क्योंकि मेरे पास ना पांच मिलियन डॉलर थे इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए ना मेरे पास बीस मिलियन डॉलर है इस गाड़ी को खरीदने के लिए तो इस गाड़ी को हमने यहाँ पे चुरा लिया और ऐसे करते करते आज हम बैटमैन के शोरूम से सारी की सारी गाड़ियां चुराने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बस आएगा बूम, 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 येलो। अरे वो काला चोर कहां चला गया मेरी लेके तो चोरी करने एक आल लड़के इधर आओ अरे मैनेजर तो इधर ही है हाँ मैनेजर साहब बोलिए बोलिए क्या बोलिए बोलिए मेरी गाड़ी कहाँ पर है जो तुम तो मेरी ट्वेंटी मिलियन डॉलर की गाड़ी लेके गए थे है वो गाड़ी कौन सी गाड़ी अरे जो तुम गाड़ी लेके गए थे टेस्ट ड्राइव के लिए कहां पर है वो अच्छा अच्छा वो अरे वो तो मैं पानी में लेके चला गया था और वो पानी के साथ ही बह गई मैं तो वहाँ से बाहर आ गया था क्या तुमने ट्वेंटी मिलियन डॉलर की गाड़ी को पानी में बहा दिया अरे मुझे लगा ट्वेंटी मिलियन के दो तो पानी पर भी चलती होगी पर वो पानी पर नहीं चलती थी सामने पानी है जाके ले आना चलो मैं जा रहा हूँ लड़के मेरी बात सुन मुझे मेरी गाड़ी वापस ला के दे वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा अरे मैनेजर क्या हो गई अरे बैटमैन सर आइए आइये इस लड़के ने हमारी गाड़ी चुरा ली ये टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गया था फिर वापस लेके ही नहीं आया ऐसा क्यों किया क्या तुम्हें पता नहीं है ये शोरूम किसका है बैटमैन अरे बैटमैन सर बैटमैन सर मुझे पता ये शोरूम किसका है मैं तो इस शोरूम में आज तक कभी आया भी नहीं और ये अंकल बोल रहे की मैं इनकी गाड़ी चुरा के ले गया कैसे अंकल है इनको मारो ये मैं क्या सुन रहा हूँ मैनेजर अरे सर ये हमारी गाड़ी लेने आया था टेस्ट ड्राइव के लिए गया फिर वापस नहीं लेके आया अरे कौन सी गाड़ी मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं और मुझे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आती तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना आती तुम्हारे शोरूम में क्या करने आए थे मैं, 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 मैं तो बाइक चलाने आया था मुझे बाइक चलाना आती इसलिए बाइक खरीदने आया था ये बाइक मुझे बहुत ही मस्त लग रही है ये आपकी है क्या अरे तो क्या ऐसी गाड़ी सिर्फ बैटमैन के पास होती है सर सर मेरी बात सुनो क्या मैं इसके टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ मुझे भी ऐसी बाइक खरीदनी है सर इसको अपनी लेगा तुम मुझे ये सर थैंक यू सर तो सर, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मैं आता हूँ तो सर मैंने बैटमैन को पागल बना दिया मैंने सोचा नहीं था मैं बैटमैन को पागल बना पाऊंगा पर हमने बैटमैन को भी पागल बना दिया है और का आप देख सकते हो और ये खतरनाक सा बैट पॉड हमारा हो चुका है बैटमैन की बाइक कितनी ज्यादा तेज है इसकी स्पीड तो देखो कितनी ज्यादा तेज है रहे हैं बचा अरे भाई तो उड़ती भी है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये लैंडिंग भी कर ली तो सर हमें अभी हमें हंड्रेड मिलियन डॉलर की बैटमैन की कार भी चुरानी है उसको भी फटाफट से चुराते जब तक आपके फटाफट से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने सर आप देख लेना काला लड़का की बाइक कभी नहीं आएगा तुमको नहीं पता है मैं बैटमैन हूँ मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता मैं सबसे खतरनाक हूँ बैटमैन तो काइर बैटमैन को लगता है उसको कोई पागल नहीं बना सकता पर मैं बन चुका हूँ उसकी गर्लफ्रेंड और कायजर अभी मैं जाने वाला हूँ उसके शोरूम में उसकी गर्लफ्रेंड बन के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है चलो चलते हेलो बेबी, मैं आ डार्लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैं तो तुमसे मिलने आई थी कैसे हो तुम अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया थोड़ी पतली पतली लग रही है अरे वो मेरा थोड़ा सा खराब हो रखा है ओके ओके बताओ आज हम कहाँ घूमने जाएंगे आज मैं चाहती हूँ आज हम पिक्चर देखने चले वो भी तुम्हारी इन खतरनाक से किसी गाड़ी में क्या तुम्हे मेरी गाड़ी में पिक्चर देखने चलना है ओके डार्लिंग जो भी गाड़ी अच्छी लग रही है जल्दी से ले आओ आज हम पिक्चर देखने चलेंगे बैटमैन ओके बेबी अभी कभी गाड़ी लेके आते चलो 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 मेरे बेबी ने मुझे कार लेने के लिए बोला है तो सर, अभी है पे जो चाहे गाड़ी, गाड़ी ले, गाड़ी ले जाओ। okay, okay. तो सर, से ऐसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और का सर ये गाड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है उन्हें शक नहीं दिलाना चलो फटाफट ऐसी यहाँ इस गाड़ी को बाहर निकलते और उस बैटमैन को पागल बनाते है गाड़ी ले आई सर उस काले लड़के का क्या करना है पुलिस में कंप्लेन कर दो अरे बेबी ऐसे किसी को पुलिस में नहीं पकड़वाते। जो भी काला लड़का है उसको छोड़ दो ओके बेबी तुम कहती है तो उसको छोड़ देते चलो हम पिक्चर देखने चलते हैं। ओके बेबी। निकल जाए यहाँ से तो हमने इसको उड़ा दिया बैटमैन को और हमें एक और खतरनाक सी की गाड़ी मिल चुकी है इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज है आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा तेज चल रही है मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रही ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो हमने बैटमैन को पागल बना के एक और उसकी गाड़ी चुरा ली है चलो फटाफट लिया गाड़ी को रखते हैं और चलते हैं अगली गाड़ी चुराने कहा जा रही है ये हमारे जो बॉस बैटमैन उनमें तो दिमाग नहीं है पर मुझ में दिमाग है मुझे पता चल चुका है वो काला चोर हमारे शोरूम में चोरिया कर रहा है उसने हमारे बॉस बैटमैन को हॉस्पिटल में डाल दिया सारे की सारी सिक्योरिटी वालों मेन गेट पर आ जाओ उसको अंदर घुसने का चांस भी नहीं मिलना चाहिए हमारी एक और गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो कह मेन गेट पर

से। जब मैं इधर आया था तो मुझे एक खतरनाक सा खड्डा दिखा था ये देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा खड्डा है जिसके अंदर से हम अंदर जाने वाले चलो फटाफट से चलते हैं हम अंदर आ गए। थोड़ी सी लग गई पर कोई बात नहीं हम अंदर तो घुस चुके और देखते तो कोई भी सिक्योरिटी तरफ नहीं देख रहे और हम यहाँ पे अंदर घुस चुके हैं तो गाय सर अब देखते हैं कौन सी गाड़ी हम है ये वाली मुझे मसला लग रही है। ये भी मस्त है। और एक तो सबसे ज्यादा खतरना तो तो खतरनाक वाली दो टायर लगे है। पीछे दो टायर है, मस्त गाड़ी लग रही है। तो सर, अभी हम इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके और किसी को भी अभी तक पता नहीं की यहाँ पे हमारी गाड़ी चोरी हो रही है इनकी चलो फटाफट मुड़ाते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल लेते किसी को बिना पता चले तो देख सकते वो सिक्योरिटी गार्ड वाले पता नहीं किसको देख रहे हैं और मैं यहाँ ऐसी गाड़ी को लेके यहाँ से निकल भी चुका हूँ चलो कैसे फटाफट इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकालते हैं अभी हम आ चुके लॉस के बीच इस शोरूम से हमने चुरा ली खतरनाक सी बैटमैन की कार वो भी किसी को बिना पता चले और इसका इंटीरियर आप देख सकते हो तो कितना ज्यादा खतरनाक है ऐसा इंटीरियर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा और इसमें खतरनाक सी मिनी गन भी लगी हुई आप देख सकते हो तो कितनी ज्यादा खतरनाक है हम इसमें से किसी को भी मार सकते हैं और हर बैटमैन की गाड़ी की तरह इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हर गाड़ी में खतरनाक सा बूस्टर लगा हुआ है और ये क्या अरे ये तो पानी के अंदर भी चल रही है अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है तो मुझे ही नहीं पता था की बैटमैन की गाड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, कि ये पानी के अंदर चलती है ये गाड़ी तो सही है खतरनाक है मैंने तो इतनी सारी सिक्योरिटी बुलाई थी ये नहीं हो सकता सर अब क्या करें मिलिट्री बुलाओ अब वो काला लड़का नहीं बचे गा, मैंने पूरी मिलिट्री को बुला लिया है पूरे शोरूम को चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है अब वो अंदर आ ही नहीं सकता अब चाहे वो बैटमैन बन के आए सुपर के, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुछ बन के, कुछ भी बन के वो अंदर नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा ही ही ही, मुझे बैटमैन ने बुलाया था चलो उससे बात करते हैं जोकर के बच्चे रुक जाओ और यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या मुझे पता है काले लड़के तुम अंदर बाहर निकलो क्या बोल रहे काला लड़का मैं जो करूँ तुमको क्या लगता है मैं जो करूँ मैं जो करूँ मैं अब पागल नहीं बनने वाला तुम वापस से बैटमैन की गाड़ियाँ चुराने हो मैं तुम्हें चुराने नहीं दूंगा मिलिट्री वालों पकड़ो इसको ही ही ही। नहीं तुम्हें बुलाया होगा अब ये सारे मिलिट्री वाले तुम्हें मारेंगे पीटेंगे मारो इसको आ, मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा है पर कोई बात नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं तो मैं तो मतलब डायरेक्ट शोरूम के अंदर घुसने वाला पे बहुत सारे मिलिट्री वाले रखे हैं और लगता है झोकर भी आए भाई अपन को क्या करना है अपन तो गाड़ी चुराने आए फटाफट से गाड़ी चुराते हैं अपन को क्या करना है अपन तो गाड़ी चुराने आए फटाफट से गाड़ी को चुराते हैं और इसको लेके यहाँ से निकलते हैं ओ ये वाली गाड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है चलो

सारी गाड़िया इतनी ज्यादा तेज होने क्यों हो मेरे से तो ये गाड़िया संभल भी नहीं रही और ये बैटमैन रोज चलाता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सॉरी जोकर सर मुझे लगा आप चोर हो और गाड़ी चुरा रहे हो ही ही ही, तुम्हें मैं चोर लगा ये ये ले निकल जाओ यहाँ से सबको मार दूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं चोर लगता हूँ मैं चोकर हूँ चोकर हट जाओ वैसे पिछली बार जो जोकर आया था उन्हें लगा था कि मैं हूं जो चोरी कर रहे हो पिछली बार तो मैं नहीं आया था चोरी करने पर इस बार मैं जरूर जोकर बन के आया हूं तो गाइस राजू के पास वाली दुकान से मैंने खरीद लिए जोकर के कपड़े और मैं जाने वाला बैटमैन के शोरूम में गाड़ी चुराने चलो और मैनेजर क्या लें अरे जोकर तुम फिर से आ गए 1 सेकंड तुम्हारे आवाज को क्या हो गया <laughs> मेरी आवाज़ को क्या होगा? तुम क्यों हो? अरे क्या बताऊं एक एक करके सारी गाड़िया हमारी चोरी होती जा रही है मुझे डर है कि ये हंड्रेड मिलियन डॉलर की गाड़ी न चोरी हो जाए मेरी नौकरी चली जाएगी और बैटमैन मुझे मार देगा ही ही ही, अब तो जो होगा भगवान के भरोसे मुझे नहीं नहीं, तुम चले जाओ मुझे पता है तुम असली चो करो इसलिए तुम लेके जा सकते हो

लेते हैं तो खाई सर अभी हमने बैटमैन के सारे कपड़े उतार दिए और आप देख सकते पूरा पूरा का यहाँ पे नंगा हो चुका है चलो फटाफट से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बैटमैन के शोरूम में उसकी गाड़ी चुराने हेलो गाइस मेरा नाम है बैटमैन और अभी मैं खड़ा अपने शोरूम के ऊपर और अभी आप देख सकते हो मैंने अभी अभी देखा कि जो हमारा शोरूम का मैनेजर है उसने बहुत ही सारे बॉडी बिल्डर बुराए इनको लगता है ये मुझे रोक लेंगे पर इनको पता नहीं है बैटमैन आ रहा है चोरी करने खुद ही की कार और ये हम आ चुके हैं इस खतरनाक ऐसी शोरूम में चलो फटाफट से अंदर चलते हैं अरे सर सर आप आ गए सर आप आ गए अरे मैनेजर क्या हो क्या इतने सारे नंगे लोगों को यहाँ बुला रखा है सर आपको क्या बताऊं हमारे शोरूम में सुबह से चोरिया होती जा रही है होती जा रही है हमारी सारी की सारी गाड़िया चोरी हो चुकी है बस हंड्रेड मिलियन डॉलर वाली बाकी है वो चोरी ना हो जाए इसलिए मैंने इतने सारे बॉडी बिल्डर्स को बुलाया है जो की हमारी मदद करेंगे इस गाड़ी की रक्षा करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया मैनेजर पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तो मैं अपनी गाड़ी लेने आ चुका हूँ क्या पर आपने तो बोला था ये तो गाड़ी बेचने के लिए मैंने बोला था पर मुझे ये गाड़ी चाहिए मेरी गाड़ी है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुमको कोई दिक्कत है क्या नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सारे नंगों को साइड करो मुझे अपनी गाड़ी को बाहर निकलना है तो का सर फोड़ाफट ऐसी अपनी गाड़ी के अंदर बैठते और आप अभी देख सकते हो हमें हमारी वन हंड्रेड मिलियन डॉलर वाली गाड़ी मिल चुकी है तो काय सर इस गाड़ी को हमने बाहर तो निकाल लिया पर हम बैटमैन बन चुके हैं हमारे पास बैटमैन की पावर से तो क्यों ना इन सारे नंगे बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा मजा चका जाए चलो फटाफट ऐसी चलते आ जाओ नंगे बॉडी बिल्डर्स मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला ये

तो सबसे ज्यादा तेज है तो कहे सर अभी इस गाड़ी का स्पीड टेस्ट करने वाले उससे पहले आप देख सकते हो ये गाड़ी बढ़िया बढ़िया जंप भी करती है ये तो बहुत ही मस्त है चलो फटाफट चलते वन टू थ्री

डिस्क्रिप्शन में बाबा चोरा फॉलो करना बातें करेंगे और गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय